नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइफस्टाइल देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार के लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि देखिए, फिलहाल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भले ही कम हो रहा हो, कोरोना की जो रफ्तार है उसमें कमी देखने को मिली है, लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं। अभी कुछ लोग जो हैं सड़कों पर मास्क लगाए हुए नहीं दिखते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकले थे देखने के लिए कि अनलॉक जब बिहार में शुरू हुआ है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो क्या हाल है। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। कई सारी जगहों पर जो मल्टी स्पेशलिस्ट हब बन रहे हैं पटना जंक्शन के इलाके में, वहाँ पर भी वो गए हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम अभी भी लोगों से कर रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनका काफिला आज भी निकला था, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो खुद सड़कों पर उतरे थे, पुल पुलियों पर चढ़ कर देख रहे थे कि जो खाली ज़मीन है जहाँ पर सरकार द्वारा निर्माण कराया जा रहा है उसका काम अभी कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मास्क लगाइए, ज़रूरी है। ये क्या कुछ करें, जरा सुनिए। सुविधा हो सकती है, सब बातों पर लोग काम करें। अनलॉक शुरू हो गया है सर, अब सब कल ही आपने कहा था कि लोग अब मास्क जरूर लगाएं। देखिए, कल हम देख करके चले आए एक एरिया में, एक आध एरिया हम दूसरे दिन भी जाएंगे, तो हमने देखा कि भीड़ ज़्यादा नहीं है। हम सीधे जा रहे थे और वो दानापुर साइड में, वही सब देख करके हम आए। लेकिन हमको थोड़ा कुछ लोग लगते थे कि मास्क नहीं पहने रहते, हालांकि जिनकी नज़र पड़ती थी उनको हम ऐसे इशारा करते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई लगी और सब लोगों को इसके लिए प्रेरित करी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन ख़त्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीज़ों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देखिए एक आध दिन और हम देखेंगे, क्योंकि तो एक सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, DMs वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, तो डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखिए लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं, इसको देखते हुए अभी बहुत ज़रूरी है। अभी आगे के कुछ समय के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी, इसलिए देख लिया। और आज चूँकि कहा कि भाई सुबह में ही हम लोग 8 बजे निकल करके दो जगह देख लेंगे, चूँकि इन लोगों को फाइनलाइज करना और काम शुरू करना, तो अभी इसी बीच में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हमको प्रेजेंटेशन किए हुए थे, तो ये बात हो गई थी अगर ये ख़त्म होगा तो चलते देख लेंगे। ताजे ही देखने आ गए, अभी सब काम भी तो होना चाहिए ना। एक तो कोरोना की बात अलग, लेकिन बाकी सब काम भी तो हम लोग डेवलपमेंट करते ही हैं और लोगों को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए, तो ये सब। लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क का जरूर कहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो किए रहेंगे तो उस पर असर कम पड़ेगा। और कल हम ऐसे ही एक न्यूज़ देखिए कि साहब छूट दे दी गई है, तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अभी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर लगाइए। हाँ, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, थोड़ी छूट भी मिली है, थोड़ी रियायतें मिली है, दुकान खुल सकती हैं, लेकिन अभी मास्क लगाना ज़रूरी है। और ऐसे भी जिला प्रशासन ने कह ही रखा है कि अगर आप बिना मास्क के सड़कों पर पाए जाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, फाइन कटेगा और फिर आप समझ सकते हैं संक्रमण का खतरा भी आप तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे में आप भी नहीं चाहेंगे कि आप संक्रमित हों, इस कोरोना वायरस की चपेट में आए, तो ऐसे में आप मास्क ज़रूर लगाएं। हम फिर से आपसे अपील कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।